इस वर्ष तिथि के अनुसार 15 अगस्त को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, पर डोंबिवली में यह त्यौहार अभी भी मनाया जा रहा है। बता दें कि स्थानीय महिलाओं के अनुरोध पर कल्याण डोंबिवली मनपा के वार्ड 108 के नगर सेवक कुणाल पाटिल ने यह आयोजन किया है। अपने सामाजिक कार्यों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले नगर सेवक कुणाल पाटिल अपने क्षेत्र में इस 3 दिवसीय रक्षाबंधन के आयोजन को लेकर चर्चा में हैं। इस कार्यक्रम में हजारों स्थानीय महिलाओं ने कुणाल पाटिल के हाथों पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। जहां कुणाल पाटिल ने अपनी इन बहनों को हर तरह की मदद का वचन दिया, वहीं कुणाल पाटिल की पत्नी ने सभी महिलाओं को उपहार देकर उन्हें विदा किया। एवढ्या बहिणींचा माझ्या पाठीचा आशीर्वाद असला तर मला काहीच नको। परमेश्वराने एवढ्या माझ्यासाठी काही माझ्यासाठी झाल्या फार भाग्याची गोष्ट आहे माझ्यासाठी। आणि एकच मी माझ्या सर्व भगिनींना सांगेन की कधी कोणत्याही प्रसंगी मला आठवण करा, तुमचा भाऊ तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, एवढंच या प्रसंगी बोलेल। आणि येणाऱ्या पूर्ण ज्या ज्या काही दृष्टिकोनातून अडीअडचणी असतील त्या सोडवण्याचा त्यांचा मी 100% प्रयत्न करणार। इस कार्यक्रम के दौरान नगर सेवक कुणाल पाटिल ने लोगों से कोल्हापुर, सातारा और सांगली जैसे महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए मदद भेजने की अपील की। साथ ही उन्होंने गोविंदा पथकों से भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार वे दही हंडी कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेंगे, बल्कि दही हंडी के इनाम की रकम वे बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा देंगे। तुम्हाला माहितीच आहे कोल्हापूर, सांगली या ठिकाणी देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरिकांचा तिकडल्या नुकसान झालेलं आहे। काही लोकांची नागरिकांची घरं वाहून गेली, तर काही मृत्युमुखी झाले। तर मला या प्रसंगी एवढंच बोलायचं आहे की माझी तुम्हाला माहिती असेल कल्याण ग्रामीण कल्याण पूर्व या परिसरातील सर्वात मोठी दहीहंडी माझ्या या परिसरामध्ये असते। ती देखील मी कोल्हापूर आणि सांगली या पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी आव्हान केलेलं आहे। जे कोणी पथक असतील त्यांना यावर्षी माझी दही अंडी होणार नाही, कारण पारंपरिक पद्धतीने जी दही अंडी असते ती सेलिब्रेशन होणार थोडक्यात। आणि जी काही मदत आहे माझी, जी बक्षीस असते ती एक वास्तू स्वरूपामध्ये आणि आर्थिक मदतीने मी मुख्यमंत्र्यांना भेटून माझ्या फाउंडेशनच्या वतीने सर्वांनी आम्ही माझे टोटल मेंबर्स घेऊन मुख्यमंत्र्यांना भेट घेऊन आर्थिक मदत देखील आम्ही करणार आहोत। दीपक उपाध्याय व दिलीप तिवारी के साथ मैं विनोद यादव, सुर्खियां, डोंबिवली।